नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा यहां के नागरिकों को जारी किए जाने वाला पहचान पत्र है, जो बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों का भी बनता है। इसमें छपे 12 अंकों की संख्या एक यूनिक नंबर होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI जारी करता है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में ही क्यों ना चले जाए, आपकी पहचान और पते का प्रमाण इस 12 डिजिट वाले आधार नंबर से हो जाएगा। यही कारण है कि आज हर सरकारी कामों, सरकारी सुविधाओं या फिर अन्य कई डॉक्यूमेंट्स में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि लोगों के नेम, सरनेम, पता, मोबाइल नंबर ये सब बदलते रहते हैं, ऐसे में आधार में पुरानी जानकारी को नए जानकारी से अपडेट करना पड़ता है। कई बार तो कार्ड बनवाने के वक्त भी नाम के स्पेलिंग आदि में मिस्टेक हो जाती है, जिसको हमें अपडेट कराने के लिए बाहर आधार सुधार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। भारत सरकार ने तो अब इनकम टैक्स लॉ के तहत पैन कार्ड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आपके आधार में गड़बड़ी है तो आपको सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड में अलग अलग जानकारियां देने पर आपको आगे दिक्कत हो सकती है। हालांकि अपडेशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत कुछ स्टेप्स को अपनाकर आप घर बैठे खुद से अपना नाम, पता, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, लिंग आदि अपडेट करवा सकते हैं। इस सुविधा को बीच में बंद कर दिया गया था, मगर संस्था ने इसे फिर से शुरू किया है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको खुद से अपना आधार अपडेट करने के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। ऑनलाइन आधार सुधार पोर्टल के द्वारा आप नाम, पता, मोबाइल नंबर, लिंग और जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको आधार के सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल ssup.uidai.gov.in पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर आपको माय आधार का सेक्शन दिखेगा। माय आधार सेक्शन के अंतर्गत अपडेट योर आधार का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा को ऑनलाइन बदलने का विकल्प मिलेगा। नए पेज पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करें। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा। इस नए पेज पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद नीचे दिए कैप्चा कोड को सेम टू सेम डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डालकर आप वेरीफाई कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको नए पेज में दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आप पहला ऑप्शन अपडेट योर डेमोग्राफिक डाटा को चुन लें। इसे चुनने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं। आपको यहां अपनी भाषा, लिंग, पता, नाम, डेट ऑफ बर्थ चुनने का ऑप्शन मिलेगा। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को एक ही बार चेंज करने का मौका मिलता है, जबकि नाम को आप 3 बार चेंज कर सकते हैं। बताते चले कि नाम, जन्मतिथि और पता को अपडेट करने के लिए आपको इनके साथ संबंधित कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा, जो कि यह प्रूफ होगा कि आपका सुधार करना सही है। इसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, PDS फोटो कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, फोटो बैंक ATM कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, फोटो लगा शादी का प्रमाण पत्र, गजट नोटिफिकेशन, मैट्रिक का रिजल्ट आदि को आप दस्तावेज के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको जिसमें सुधार करना है उस ऑप्शन को चुन ले और आगे बढ़ते हुए जो भी सुधार करना है उसे सही सही भर दे। इसके अलावा उस पेज पर और भी जो जो जरूरी विवरण पूछे जाएंगे उन्हें आप भर ले और आप अब संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर ले। अटैच करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें। अब जो भी आपने डिटेल्स भरा है उन्हें एक बार फिर से मिला ले और कैप्चा कोड को भर के OTP पर क्लिक करें। फिर से आपके फोन में जो OTP आएगा उसे डालकर वेरीफाई कर ले। इसके बाद आपको ₹50 का पेमेंट कटाना होगा, जिसे आप नेट बैंकिंग या फिर कार्ड के सहारे पेमेंट कर दे। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसमें एक SRN नंबर लिखा होगा, उसी से आप आगे चलकर ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका अपडेट कहां तक हुआ है। उसी वेबसाइट पर आप दिए गए ऑप्शन से आप ट्रैक कर सकते हैं। खुद से सुधार करने के बाद आप बाद में उसकी फोटोकॉपी निकाल कर अपने पास रख ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।